अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो दिस इज़ अ वीडियो अबाउट माई साइकिल। पड़ी हुई थी घर में गैराज में, मैंने क्यों ना इस पर वीडियो बना ली जाए। तो हियर इट इज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो ब्रेक्स लगी हुई हैं, नॉट डिस्क ब्रेक। इसमें दो ब्रेक्स हैं, एक हैंडल है, एक चेन है, एक दो पैडल हैं और दो टायर, जो कि ऑब्वियसली हर साइकिल में होते हैं। तो मैं पहले बता दूँ, इसमें मेरे गार्ड नहीं लगे हुए, मैंने उतार दिए थे क्योंकि इसके स्टील के मैंने काट थे और वो लूज हो गए थे और वो टायर पे लगते थे, विच वॉज क्रिएटिंग ए वेरी वेरी बैड नॉइज। तो मैंने उतार दिए। तो अब ये मैंने काट के बगैर है साइकिल। तो इस साइकिल के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये कि इसमें आपकी पेट्रोल और यू कैन से गैस नहीं लगती। सेकेंड एडवांटेज ये कि इससे आपकी काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज भी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। थर्ड एडवांटेज ये इसका कि अगर कहीं ट्रैफिक हो तो ये आराम से निकल जाती है, क्योंकि ये फुटपाथ पे भी चलाई जा सकती है। और अब अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको पैडल करना पड़ता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। लेकिन यार साइकिल तो साइकिल है, बेशक गियर वाली हो या गियर के बगैर वाली हो, पैडल तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इसको हम लोग डिसएडवांटेज रखते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप इससे लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, जैसे सिटी टू सिटी नहीं जा सकते, मगर आप लाइक स्कूल तो जा ही सकते हैं और लाइक शॉप पे जा सकते हैं, मगर सिटी टू सिटी नहीं जा सकते। अब हम लोग चलते हैं बाहर शॉप तक, ताकि पता चल जाए भाई साइकिल किस तरह की है। तो अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले सिनेमैटिक्स। अभी हम लोग जाने लगे हैं समवेयर, नॉट टू शॉप, बिकॉज यार ठंड बहुत हो गई है एंड आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सिक। तो हम लोग यहीं पे ही चक्कर लगा कर आ जाते हैं, साइकिल ही दिखानी है ना। और हाँ, ऑफ रोडिंग भी करेंगे, तो बस रेडी रहना। तो ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही आता है, इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं हाथ छोड़ने में। ओ ओ day and night, love it when you kiss me, love it when we touch, every time I'm down here you make me smile, you're the solution. Always be on your left side, left right done. भाई मेरे मुझे देख रहा था कि किधर जा रहा है। एनीवेज राइट पर हो जाए, लेफ्ट चैक। हाँ ऑफ रोड में फिर से बता रहा हूँ, करनी है स्टेडी ऑन और बहुत फिट फिट सिनेमैटिक्स आएंगे। हेलो भाई कार अंकल, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहले ही बता दूँ यार, लाइक अगर आप कार के साथ चला रहे हो ना साइकिल, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। लाइक ऐसा फील होता है कि आप भी खुद ही आप कार चला रहे हो, मज़ा आता है यार। और मैं अभी पता नहीं इतना क्यों बोल रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ। ये देख, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मेन रोड, काइंड समझते हो ना। तो बस ये वही है। हेलो साइकिल पर ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो लेट्स जस्ट होप
के उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होगा, पास में प्लॉट है तो लेट्स डू इट। कर लिया हमने ऑफ रोडिंग प्लॉट में थोड़ी सी लाइक जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि तो था कि आई डोंट वांट माय साइकिल टू बी इन हाफ, और मे बी बस यार पता समझ लग गया होगी। अब चलते हैं हम लोग वापस घर, तो लेट्स जस्ट गो। आ गए हम लोग घर, चलते हैं अंदर। बस भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। पेपर्स होने वाले हैं तो पढ़ाई अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, खैर पहले भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस भाई इस वीडियो को करते ही ख़त्म इधर ही, साइकिल के बारे में सब कुछ हो गया। इतना ख़ास वीडियो नहीं थी मगर फॉर मी इट वॉज़ अ बिग डील टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Got to let it go. You got to